नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद सीपी जोशी चुनाव जीतने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की देवतुल्य जनता ने एक बार फिर से मुझे लगातार तीसरी बार संसद में भेजने के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि देशवासियों ने नरेंद्र मोदी प्रति विश्वास व्यक्त किया है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है, जितनी हम आशा कर रहे थे उतनी सफलता नहीं मिली, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे आकलन में खामियां रही है। तीसरी बार पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को संसद तक पहुंचाने के लिए आशीर्वाद दिया। हम कहते हैं कि कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। ये चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने और पार्टी ने एक इतिहास रचा है कि कार्यकर्ता को तीसरी बार संसद में भेजा। जिस अनुकूल हम लोग समझ रहे थे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलना, और वो भी उन परिस्थितियों में जब सारे विरोधी राजनीतिक दल एक होकर देश की जनता को भ्रमित करने का, भ्रामक प्रचार करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और एनडीए को पूर्ण बहुमत।